हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट। आज इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, एक कारण है, क्योंकि 2019 में देखा जाए, 2019 के पेपर पे बेसिस पे देखा जाए, तीन क्वेश्चन आए थे नंबर सिस्टम पे, और तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे सॉल्व करना है आपको, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वीडियो को एंड तक देखो। तो क्वेश्चन 2019 का है, ये देख लो, क्वेश्चन 2019 का। इससे पहले तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, होंगे भी तो मुझे मिले नहीं है। 2019 का या तो अनकम्प्लीट होगा। तो 2019 का क्वेश्चन था, ये 2019 का, कि टू डिजिट प्राइम नंबर आपको बताना है। टू डिजिट, कोई सा भी टू डिजिट वाला प्राइम नंबर आपको चूज करना है यूजिंग दिस डिजिट, यानी कि 257 को मिला के कौन सा प्राइम नंबर बनेगा आपको टू डिजिट वाला। तो आंसर था 1, 2, 3, 4 या 0। तो आंसर था 0, ठीक है, आंसर था 0। मैंने क्वेश्चन को ही सॉल्व किया था जब आपका टेस्ट नेट 2019 का हुआ था। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं, ये 0 होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो मैं उनको समझाया भी था, तो उनको समझ में आ गया था कैसे 0 होगा। तो देखो, टू डिजिट प्राइम नंबर हमें बताना है, तो टू डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, पहले तो नंबर लिख लेते हैं, 25 होगा, क्योंकि हम इन तीनों डिजिट को ही यूज़ करके टू डिजिट प्राइम नंबर खोजना है हमें। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा, तो 25, 52, 57, 75। अब देखते हैं क्या होगा, 27, ये देख लो, 27 या 72, ये 6 नंबर हमने बना लिया इस नंबर से। अब गलत किसके कारण की वजह से हुआ था, कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि 57 क्या होता है प्राइम नंबर। तो रूल के मुताबिक मैं आपको बताऊं, तो जब भी हम डिविजिबिलिटी रूल्स को याद करते हैं, अगर मालूम नहीं हो तो मैं बता दूं, 2 तो ये 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, 3 से देखते हैं, चेक करेंगे। तो 3 से जब डिविजिबल रूल चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं हम लोग, 57 है तो ये दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देते हैं, 5 + 7 क्या निकल के आएगा, 12 आ जाएगा। और 12 3 से अगर डिविजिबल है तो 57 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपस में प्लस करके देखना और जो भी वैल्यू निकल के आए, अगर 3 से वो डिविजिबल है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं आपको 57 में ही, कुछ स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हुआ था, तो क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 1, 3 देख लो, 2, 7, 9, 3 = 27 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 0 प्राइम नंबर बनेगा, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा यूजिंग टू डिजिट। जो भी देख लो, 27 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा और ये 72 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आपस में प्लस करके देख लो, ये तो 5 से डायरेक्ट कटेगी और ये 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है, 0 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 75 है तो 5 से ही डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई सा भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये आया था रोमन नंबर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। L4 क्या होता है, L4 50 होता है, L रिप्रेजेंट 50 एंड L के पीछे X है तो -10 हो जाएगा, तो क्या होगा, 40 आंसर आ गया। यही था आंसर निकालना था बस। तो रोमन नंबर का मैंने अच्छे से वीडियो बनाया, जो भी अगर आपको इससे भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो देख लेना, लिंक दे दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा रोमन नंबर का। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर आया था नंबर सिस्टम से, ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट का भी लिंक दे दिया हूँ, कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए टेस्ट नेट का, आप सॉल्व कर पाओगे उस वीडियो को देख के। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रोमन नंबर का भी दे दूंगा, क्योंकि मैं बना दिया हूँ लेकिन आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, इसलिए मैं लिंक दे दूंगा।
तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है 13 to the power of 13। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, हमको 3 से मतलब है। और मैं क्या रूल बताया था उस वीडियो में, 13 को 4 से डिवाइड करना, और भी अदर अदर रूल सिखाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना जो मैं अपलोड किया हूँ यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 14 लिख दिया, सॉरी फ्रेंड्स, 4 3 12 4 से पावर को डिविजिबल करेंगे, तो 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो पावर भी 1 हो जाएगा। तो 3 to the power 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज ए यूनिट डिजिट। इतना बेसिक सा क्वेश्चन कोई सा भी एग्जामिनेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक ये क्वेश्चन है कि जो भी नंबर लिखा रहता है आपको बताना रहता है कि इन चारों ऑप्शन में से ये नंबर क्या हो सकता है। तो जब भी हम प्लस माइनस, देखो इस क्वेश्चन में अगर आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज करो तो मैं बोलूँगा ये गलत नहीं है, आंसर एक ही आएगा जो भी करेक्ट होगा। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से कैसे भी करके ये नंबर्स को निकाल देना। तो 3 दिया है, 5 दिया है, आप कोई भी रूल यूज़ करो, मैं तो जो रूल अपना अप्रोच यूज कर रहा हूँ आप जैसे भी यूज करो आंसर करेक्ट एक ही होगा। तो मैं इसे क्या किया था, मैंने बीच में प्लस और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, 16 + 25 + 9, तो 50 निकल के आ गया था आंसर। तो ऐसे करके मैंने आंसर निकाला था। जब भी देखो 3, जो भी 3 × 5 × 4 कर रहे हैं, 5 4 क्या होता है, 20 होता है, 5 4 20 होता है, एंड 23 क्या होता है, 60। अब देखो 60 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अब इसे प्लस करते हैं, 3 + 5 + 4 9, 5 + 4 9 10 12, 12 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। माइनस करेंगे तो और भी नहीं दिखेगा, डिवाइड करेंगे भी तो नहीं दिखेगा। ये अप्रोच लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि आंसर निकल के आ गया, तो ऑप्शन 50 आंसर आ गया। ये 2019 का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, रोमन नंबर, प्लेस वैल्यू, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सब आपको सब कुछ जान के रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।